रिपोर्ट जमा करने के लिए दिया दो दिन का समय। कोर्ट ने कमिश्नर अजय मिश्रा को हटाया। विशाल सिंह और अजय प्रताप सिंह जमा करेंगे रिपोर्ट। काशी के बाद मथुरा के शाही ईदगाह को भी सील करने की उठी मांग। जिला अदालत में लगाई गई अर्जी। 1 जुलाई को होगी सुनवाई। याचिकाकर्ता ने कहा श्री कृष्ण जन्मभूमि के अवशेष मिटाने की हो सकती है कोशिश। पूर्व गृह मंत्री पी चिदम्बरम और उनके बेटे कार्ति के खिलाफ सीबीआई ने दर्ज किया एक और केस। मुंबई चेन्नई समेत कई ठिकानों पर छापेमारी जारी। पैसे लेकर चीनी नागरिकों को वीजा देने का आरोप। चिदम्बरम ने ट्वीट कर छापेमारी के समय पर उठाए सवाल। अमरनाथ यात्रा की सुरक्षा पर गृह मंत्रालय में अमित शाह की अध्यक्षता में अहम बैठक। जम्मू कश्मीर के LG मनोज सिन्हा, गृह सचिव समेत सभी बड़े अधिकारी हुए शामिल। शाह ने कहा यात्रियों की सहूलियत मोदी सरकार की प्राथमिकता। राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने जमैका में भारतीय समुदाय से की मुलाकात। वैक्सीन समेत कई मेडिकल सामान की मदद। 4 दिवसीय जमैका दौरे पर हैं राष्ट्रपति कोविंद। 75वें कैन फिल्म फेस्टिवल में शामिल हुए फ्रांस पहुंचे अनुराग ठाकुर। भारतीय प्रतिनिधिमंडल का करेंगे नेतृत्व। पीएम मोदी का दोस्ती संदेश। भारत फ्रांस राजनयिक संबंधों के 75 वर्ष अहम। भारत दुनिया का सबसे बड़ा फिल्म निर्माता। वजन कम करने के चक्कर में 21 साल की कन्नड़ अभिनेत्री की मौत। 4 दिन पहले कराई थी प्लास्टिक सर्जरी। सुप्रीम कोर्ट ने सुपरटेक ट्विन टावर गिराने की बढ़ाई समय सीमा। 28 अगस्त तक समय बढ़ाने पर बनी सहमति। भारी बारिश और भूस्खलन के चलते असम अरुणाचल में 10 लोगों की मौत। करीब 2 लाख लोग हुए प्रभावित। राहत और बचाव में जुटी सेना और SDRF की कई टीमें।